ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था, अचानक पास में से किसी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना सारा सामान फेंका, औजार फेंका और तेजी से आवाज की ओर भागा। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बच्चा कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ था, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरीके से कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनंद फानन में लंबी सी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सारे बच्चे को बाहर निकाल लिया। अगले दिन किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक बड़ी शानदार गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ जिसे आपने कल बचाया था। उस अमीर सज्जन ने कहा कि वह एहसान का बदला चुकाने आए हैं। किसान ने उस सज्जन का ऑफर ठुकरा दिया और उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है, और इंसानियत और मानवता का कौन पैसा लेता है। इसी बीच उस गरीब किसान का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आ गया। सज्जन की नजर उसके बेटे पर गई और उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने बहुत खुशी से कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। फिर वो सज्जन कुछ सोचने लगे। उन्होंने फिर नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत या मेरा ऑफर मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं इसे इतनी हाई फाई शिक्षा तो नहीं दिला पाऊंगा, ना ही सारी सुविधाएं दिला पाऊंगा कि जिससे बड़ा होकर अमीर आदमी बने और अच्छा इंसान बन सके। बच्चे की भविष्य खाते वो किसान तैयार हो गया। अब किसान का बेटा बहुत अच्छे स्कूल में जाने लगा। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के सेंट मैरिस कॉलेज में ग्रेजुएशन की और आगे चलकर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक बना, महान वैज्ञानिक बना। उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से बहुत फेमस हुआ। दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ साल के बाद उस अमीर का बेटा को निमोनिया हो गया और उसकी जान उसी पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बच पाई। उस अमीर के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो दो बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है, यानी अच्छाई पलट पलट कर आती है। यकीन मानिए कि मानवता की दिशा में उठाया गया आपका हर कदम आपकी स्वयं की जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक यू।